टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कान पकड़कर उठक बैठक लगाते हुए ये कोई और नहीं बल्कि लड़कियों को छेड़ने वाले सड़क छाप मजरू है। पुलिस ने इन दोनों का सड़क पर जुलूस निकाला। ये दोनों इस दौरान ये कहते हुए सड़क पर चलते रहे कि अपराध करना पाप है और पुलिस के साथ साथ आम जनता ने भी इन मजनुओं के जुलूस को देख कर खूब मजा लिया। ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है। आपको बता दें कि इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम लागू होने पर पुलिस एक्शन मोड में है और मानो अपराधियों की अब खैर नहीं है। कॉलेज में पढ़ने वाली कुछ लड़कियों ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके कॉलेज के सामने कुछ ऑटो रिक्शा ड्राइवर खड़े होकर उन्हें गंदे इशारे करते हैं और छेड़खानी भी करते हैं, जिसके बाद पुलिस वहां पर सिविल ड्रेस में पहुंचे और ऑटो रिक्शा के नंबर आधार पर ऑटो ड्राइवर मोहम्मद शहीद और इशहाक को गिरफ्तार कर लिया और इनका जुलूस भी सड़क पर निकाला गया। इन दोनों का जुलूस इनके ही इलाके में निकाला गया ताकि लोगों के बीच में इनकी मजनूगिरी कम हो जाए। जो दोनों आरोपी हैं इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। ये ऑटो चलाते हैं और इनसे पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई हैं, करीब ये 35 साल 40 साल के लोग हैं, परिवार है इनका, सब कुछ है, लेकिन इनके भीतर जो एक मानसिक जो विकार है जो इनको नराधम बना देता है, उस कारण से ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हाँ, ये जब लड़की ने उसका फोटो लिया था ऑटो का, तो उस दौरान जो है फिर लोगों ने उसका मोबाइल छीनने का प्रयास किया था, लेकिन वो लड़की काफ़ी होशियार थी और उसने अपना बच करके अपना खुद को ही बचाया और अपने मोबाइल को बचा लिया था, तो उस पर लूट के प्रयास की भी अपराध की धाराएं इनमें लगाई गई।